अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अरकम न्यूज़ एचडी। मैं हूं नादिया अनवर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पे। अदलिया मुखालिफ बयानात, वजीर आजम आजाद कश्मीर ने माफी मांग ली। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने केस की समाप्त की। चीफ जस्टिस ने बयानात के क्लिप चला के दिखाए। डेडलाइन गुजर गई, इलेक्शन कमीशन को फंड ना मिले। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएगा। जजेस चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा लेंगे। फंड से मुतालिक हुक्मनामा जारी किए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामानी मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती, अदालत के सामने खड़े होने को तैयार हैं। दो सूबों में इंतखाबात से इंतशार जन्म लेगा, खुर्रम दस्तगीर ने कहा मामला हल करने के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। इज्तिमाई कोशिशों से बहरान के हल के लिए फैसला दें। अदालत एक शख्स के फैसले पर इन्हिसार नहीं कर सकती, अदालत अपने मामला शफाफियत से चलाए। मुसद्दिक मलिक कहते हैं रूस से तेल की दरामद इसी माह शुरू होगी। पाकिस्तान जरूरत का 33% खाम तेल रूस से खरीदेगा। अमेरिका यूरोप समेत किसी को एतराज नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं पहला साल बड़े चैलेंजेस और मुश्किलात का रहा, महंगाई ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। दुश्मनियाँ, ईंधन की कीमतों में इजाफा महंगाई के अहम अवामिल रहे। चिड़िया घर में हतनी नूर जहाँ का इलाज जारी, तबीयत में बेहतरी, सूजन कम होने लगी। हतनी के आराम के लिए मिट्टी के ढेर लगा दिए गए। चिड़िया घर के नए मुंतजिम ने भी चार्ज संभाल लिया। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए अरकम न्यूज़ HD।